नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप हैं बिहारी न्यूज के साथ। और आज हम बात करेंगे सिवान लोकसभा सीट की कि 2019 में यहाँ से कौन बनेगा सांसद। जैसा कि देश के पहले राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से सिवान संसदीय क्षेत्र की पहचान होती है, लेकिन समय के साथ ही इस जिले की पहचान बिल्कुल बदल गई। अंतर्राष्ट्रीय चोर नटवर लाल इसी जिले का था, वहीं बाद में शहाबुद्दीन के आतंक से यह जिला हमेशा सुर्खियों में बना रहा। 1995 में जन संघ के उम्मीदवार पंडित जनार्दन तिवारी को हराकर मोहम्मद शहाबुद्दीन राजद से पहली बार सांसद बने। वे लगातार 3 बार यहां से चुनाव जीते। कानूनी शिकंजा कसने के बाद कोर्ट ने शहाबुद्दीन के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। 2009 में ओम प्रकाश यादव ने निर्दलीय चुनाव लड़कर शहाबुद्दीन की पत्नी हीना शहाब को हराकर भाजपा का दामन थाम लिया। इसके बाद 2014 में मोदी लहर में ओम प्रकाश फिर हीना शहाब को हराकर सांसद बने। यहां 8 विधानसभा क्षेत्र है, दरौली, जीरादेई, रघुनाथपुर, धरौंधा, महाराजगंज, गोरियाकोठी, बडरिया और सिवान। इन सीटों पर वर्तमान में एनडीए और राजद का ही वर्चस्व है। इस लोकसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 23,99,242 है। इनमें महिला मतदाता 11,45,908 तथा पुरुष मतदाता की संख्या 12,53,334 है। 2019 में मेडिकल कॉलेज खोले जाने की घोषणा की गई है। यहाँ की सड़क व बिजली की व्यवस्था पहले से बेहतर हुई है। यहाँ बेरोजगारी और अपराध पर लगाम लगाना बड़े मुद्दे हैं। जिले में 1 सूता मिल और 3 चीनी मिले हैं जो फिलहाल बंद है। अधिकतर युवा रोजगार के लिए खाड़ी देश जाते हैं। सिवान लोकसभा सीट 1957 में अस्तित्व में आई। देश के लिए दूसरे लोकसभा निर्वाचन के दौरान यहाँ के लोगों ने सांसद चुनाव के लिए पहली बार मतदान किया। यह बिहार के उत्तर पश्चिमी छोर पर बसा है। दाहा नदी के किनारे बसे इस इलाके की सीमाएं उत्तर प्रदेश से जुड़ती है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद समेत कई अग्रणी स्वतंत्रता सेनानियों की जन्मभूमि एवं कर्म स्थली के लिए सिवान को जाना जाता है। इसका नामकरण मध्यकाल में यहाँ के राजा शिवमान के नाम पर हुआ है। लोकसभा चुनाव 2019 में बिहार में बाहुबली भी प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष रूप से चुनाव मैदान में हैं। शहाबुद्दीन और अजय सिंह की पत्नी सिवान सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर महागठबंधन की हीना शहाब व एनडीए की कविता सिंह 12 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के दौरान जीत का परचम लहराने के लिए आपस में भिड़ेंगी। हीना लगातार 3री बार यहाँ से चुनाव लड़ रही है, पर उनके सामने कभी कोई महिला नहीं रही। 2 बार ओम प्रकाश यादव ने उन्हें हराया था। एनडीए के प्रमुख घटक भाजपा, जदयू, लोजपा किसी ने भी इससे पहले कभी किसी महिला को अपना उम्मीदवार नहीं बनाया था। इस बार 2 महिला प्रत्याशी आमने सामने हैं। मुकाबला काफी दिलचस्प होने की उम्मीद है। इसके साथ ही अन्य पार्टी से और उम्मीदवार और निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में है। इस बार यह सीट जेडीयू को जाने की वजह से कविता सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ लाइक कीजिए। धन्यवाद।